होनी चाहिए। राजधानी जयपुर में कॉमडा की यूजीटी और यूनिग्रेज प्रवेश परीक्षा रविवार 12 मई को एक संयुक्त परीक्षा के रूप में आयोजित होने वाली है, जिसमें कर्नाटक 150 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज और भारत भर के 50 से अधिक प्रतिष्ठित निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकता है। यह एकीकृत परीक्षा कर्नाटक एन एडिड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज एसोसिएशन और यूनिग्रेज सदस्य विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है, जो बीटेक कार्यक्रम प्रदान करते हैं। ऑनलाइन परीक्षा भारत के 200 से ज़्यादा शहरों में व 400 से ज़्यादा परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस वर्ष इससे उम्मीद है कि 1,00,000 से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। पूरे भारत से उम्मीदवार परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। कॉमडके के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉक्टर कुमार ने कहा कि कॉमडके में हम इस विश्वास को मजबूत बनाते हैं कि एक छात्र की योग्यता और रुचि उसकी शैक्षिक यात्रा के लिए एकमात्र मार्गदर्शक कारक होनी चाहिए। मेरा नाम मुरलीधर है, मैं कर्नाटक बेंगलोर से आया हूँ और मैं कॉमडके के बिहाफ में आया हूँ। कॉमडके जो है कंसोर्शियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका है। ये हम 155 इंजीनियरिंग कॉलेज जो हैं प्राइवेट के, उनके बिहाफ पे आए हैं। 22,000 सीट जो ये साल ये 155 कॉलेज में मिलेंगे, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है इसको हम कॉमडके एग्ज़ाम बोलते हैं। ये मई 12 को है और ये 2 सेशन में कंडक्ट की जाएगी। 3 घंटे का एग्ज़ाम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ साथ क्वेश्चन होंगे। और इसका जो एलिजिबिलिटी है वो है 12वीं पास होनी ज़रूरी है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स साइंस के बच्चे हों और इंग्लिश कंपलसरी है। जनरल कैटेगरी के जो हैं उनको 45% मार्क ज़रूरी है और एससी एसटी का 40%। हाँ जी, अभी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए ये जो फीस है वो है 1,800 रुपया अगर सिर्फ कॉमडके का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहें। अगर यूनिगेज का देना चाहें तो 1,600 रुपया, दोनों का फ़ायदा अगर लेना चाहें तो 2,950 रुपया है। अभी ये जो एग्ज़ाम है ये जैसे मैं बोला मई 12 को है, जितना जल्दी हो सके अगर रजिस्टर करें तो हम ये अपने वेबसाइट के पास हम 5 या 6 मॉक टेस्ट देते हैं, जिसके प्रैक्टिस सेशन के तौर पर वो अगर करें तो कैसे नेविगेट करते हैं, कौन से पैटर्न हैं एग्ज़ाम के, ये सब डिटेल भी मिल सकते हैं। तो हमारा ये आग्रह है आप बच्चों को थोड़ा खबर पहुंचा दीजिए और ये कॉमडके का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको लेके कर्नाटका इंजीनियरिंग में पढ़ने का फ़ायदा लें। अभी जो डेट्स हैं, हम लोग 1 फरवरी को हम लोग एप्लीकेशन खोले हैं, ये 5 अप्रैल तक खुले रहेंगे। और बच्चों के फ़ायदा के लिए हम राजस्थान में 10 सेंटर बनाए हैं, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, उदयपुर। ये हम इसलिए बनाए ताकि ये बच्चे अपने घर से, अपने निवास से ज़्यादा दूर न जाना पड़े और पास में ही एग्ज़ाम ले। सो बच्चों को ये आग्रह है कि आइए और ये एग्ज़ाम ले के कर्नाटका में पढ़ने का फ़ायदा लीजिए। थैंक यू। सूरतगढ़ से खबर, जहां ग्राम पंचायत रायोवाली के गांव में वाटर वर्क्स में डिग्गियों की सफाई न होने को लेकर ग्रामीणों ने धरना लगाकर विरोध प्रकट किया। डिग्गियों में गंदगी भरी हुई है। ग्रामीण